नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड ओपीडिया। दोस्तों, ये देखकर बहुत ही दुख होता है कि जो हमारे देश के गर्व हैं, जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे रेसलर्स हैं, जिन्होंने ओलंपिक में न जाने कितनी बार ही हमारे देश भारत का नाम रोशन किया है, जिन्होंने न जाने कितनी बार ही मेडल्स ला के हमें खुश किया है, वो आज अपनी बात सुनाने के लिए उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से जो हमारे रेसलर्स हैं वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, लेकिन सिर्फ कंप्लेन दर्ज कराने के लिए उनको प्रोटेस्ट करने तक की नौबत आ गई है। ये देखकर दिल बहुत ही दुखी होता है। नाउ क्यों, किस व्यक्ति के खिलाफ वो कंप्लेन कराना चाहते हैं, क्या है पूरा मुद्दा, इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ प्रोटेस्ट की शुरुआत वैसे तो जनवरी में होती है, जब जो दिग्गज रेसलर हैं विनेश फोगाट, उनको पता चलता है कि जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, वो जो लड़की फीमेल जो रेसलर्स हैं उनको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। ना जब जनवरी में प्रोटेस्ट चालू हुआ था तो उसमें बहुत ही बड़े बड़े रेसलर्स जैसे कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट इत्यादि ने उसमें भाग लिया था। उनका यही कहना था कि जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया है लड़कियों को, और उनमें से एक लड़की तो माइनर भी थी। ना जब ये एलिगेशन लगाया गया तो उसके बाद जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा ने मुलाकात की उन रेसलर से और उनको पूरा आश्वासन दिया कि आपको पूरा सहयोग किया जाएगा, और इसके लिए एक कमेटी भी फॉर्म की और उस कमेटी को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए बोला गया था। नाउ बात करें कि कौन है बृजभूषण सिंह, तो आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह गोंडा यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले हैं और वो 5 बार एमपी हैं। नाउ ऐसा नहीं है कि बृजभूषण कोई बहुत ही सीधे साधे आदमी है और ये इनके पे पहली बार कोई एलिगेशन लगाया जा रहा है। इससे पहले भी बृजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं, वो भी किसी सीधे साधे क्राइम के कारण नहीं बल्कि बहुत ही संगीन क्राइम्स के कारण, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, पोजेसिंग अ डेडली आर्म, राइटिंग, और तो और जो अयोध्या में जो मॉस्क थी वो बाबरी मस्जिद, उसके डेमोलिशन में भी इनको प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर देखा जाता है ना। तो अगर इनके ऊपर इतनी सारी एलिगेशंस है तो फिर कोर्ट ने इन्हें आज तक सजा क्यों नहीं दी। सिमिलर बात, जब या तो जो गवाह है वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाता या फिर कोई इनके खिलाफ गवाह मिलता ही नहीं है ना। जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहे हैं, कई सारे प्रोमिनेंट फिगर्स का इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिलता जा रहा है। जैसे दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह ने ट्वीट करके कि रेसलर्स को अपना सपोर्ट दिखाया है, और जो 1983 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन कपिल देव हैं उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि क्या कभी इन खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। ऐसे ही ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा ने भी इन खिलाड़ियों को अपना आश्वासन दिया है और इनके समर्थन में ट्वीट किया है। ना बात करें अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे, तो पॉलिटिकल फ्रंट पे आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने आके मुलाकात की रेसलर्स से, और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी रेसलर्स से मुलाकात की। नाउ जब क्वेश्चन पूछा गया पीटी उषा से कि उनका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को डिसिप्लिन होना चाहिए, इससे खेल पर बुरा सा प्रभाव पड़ेगा और उनको ऐसे प्रोटेस्ट करने नहीं आना चाहिए था, उनको पहले हमारे पास आना चाहिए था। तो इसके जवाब में साक्षी मलिक ने कहा कि हमने तो सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद हमने अपना प्रोटेस्ट जनवरी में बंद भी कर दिया था, लेकिन जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई 4 महीने से तो फिर से हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है और हम कितना इंतजार करें। वहीं अगर बात करें कि बृजभूषण का क्या कहना है इस पर, तो बृजभूषण कह रहे हैं कि ये जो है उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है और जितने भी इल्जाम लगाए हैं ये सारे बेबुनियाद हैं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं और ये सारे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए किए गए हैं। उनका ये कहना है कि जो सारे रेसलर्स हैं वो सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ गिने चुने रेसलर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक कुछ नियम बनाए गए थे वो नियम इनको पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये इससे इनका जो है कॉम्पटिशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है। इसके वजह से जो ये रेसलर्स हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को एक कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जो है वो फंड कर रहा है, और वो बोल रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हमको जांच एजेंसियों पे भरोसा है, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे और हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, लेकिन हम दोषी बन के इस्तीफ़ा नहीं दे देंगे, क्योंकि अगर हम अभी इस्तीफ़ा दे देंगे तो इसका मतलब हम दोषी साबित हो जाएंगे कि हम दोषी हैं इसीलिए हमने इस्तीफ़ा दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जाँच पूरी होने दीजिए,
हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो उनको मानेंगे। नाउ आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि जो रेसलर्स हैं वो सही बोल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ब्रिजभूषण भी कहीं ना कहीं सही बोल सकता है? लेकिन एक बात देख के ये दुख होता है कि हमारे रेसलर्स को, जो कि जिन्होंने ओलंपिक तक का सफ़र तय किया है, उनको भी अपनी बात सुनाने के लिए जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जैसा भी आपका ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।